बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए 100 साल पुराने नुस्खे अपने कीमती समय निकालकर अवश्य सुने। दिन भर में 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए, लेकिन वो भी सिप सिप करके पीना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है और साथ ही मोटापा भी कम होता है। सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। सुबह खाली पेट चाय पीने से गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या होती है। अपने दवा को कभी भी ठंडे पानी के साथ न लें। सुबह खाने के साथ जूस पीना अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। रोजाना रात को सोते समय पेशाब करके सोने से गुर्दे की समस्या कभी नहीं होती है। बाथरूम के अंदर बोलने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। अगर आंखों से पानी आता है तो सुबह खाली पेट 5 से 6 बादाम 1 चम्मच सौंफ के साथ खाएं। नीम के पत्ते को पानी में उबाल पानी से सर के बाल को धोने से बाल गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। खाने के बाद अगर गैस की दिक्कत हो जाती है तो नींबू का अचार का टुकड़ा खाएं। इससे गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होती है। भुने हुए चने से दिमाग ताकतवर बनता है और ज़्यादा तेज होती है। अनार के जूस में सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाती है। ज़्यादा चाय का सेवन करने से स्किन खराब होती है और नज़र कमज़ोर होने लगती है। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। एलोवेरा में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और गोरा होता है। सुबह के समय दही खाने से शरीर में खून बनता है। ठंडा पानी पीने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। सुबह के समय ब्रश करने से पहले 3-4 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। इससे आप जीवन भर निरोगी रहेंगे। बकरी का दूध पीने से बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। सोयाबीन बड़ी को 2 घंटे पहले भिगोकर मसल कर जहरीले झाग वाले पानी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। यदि आप पकौड़े बना रहे हैं और तेल कम लगे तो इसके लिए आपको बेसन के घोल में 1 नींबू का रस को मिक्स कर देना है। सफ़र के लिए सब्जी बनानी है तो सब्जी में थोड़ा सा सिरका डाल दें, सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होगी। चटनी का हरा रंग बनाए रखने के लिए पीसते समय 2-3 आइस क्यूब डाल दें। ऐसा करने से चटनी का रंग हरा रहता है। मटके का पानी पिए, फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, दांत ठीक रहेगा। माइक्रोवेव ओवन के प्रयोग से कैंसर होता है, इसलिए इसके प्रयोग से बचें। खाने की ठंडी चीज़ कम से कम खाएं, पेट और दांत को खराब करती है। तली चीज़ खाना छोड़ दें, वजन नियंत्रित रहेगा और कब्ज, एसिडिटी, गैस कभी नहीं होगी। अदरक अजवाइन का प्रयोग करने से गैस, एसिडिटी की समस्या कभी नहीं होगी और शरीर के हर दर्द को भी ठीक करेगा। नाश्ते में गेहूं का दलिया खाने से शुगर की समस्या खत्म हो जाती है, यानी कि शुगर कंट्रोल में रहता है। यदि कान में कोई कीड़ा चला गया है तो सरसों का तेल को 2-3 बूंद कानों में डालकर छोड़ दें, कुछ देर के बाद कीड़ा बाहर आ जाएगा। मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। 1/2 चम्मच अदरक का रस और देसी घी मिक्स करके रोजाना सुबह शाम पीने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।